ये स्पेशल दोस्तों की रेसिपी है। सबसे पहले बंद गोभी काटना है, ये देखिए बिल्कुल बारीक करके। उसके बाद ये हो गया गाजर, बिल्कुल ताज़ा और बारीक काटा हुआ, बिल्कुल बंद गोभी की तरह। उसके बाद हो गया ये चिकन और प्रॉन दोनों। अगर आप सिर्फ चिकन यूज़ करना चाहते हो तो सिर्फ चिकन डाल दो, प्रॉन डालना चाहिए। हमारे पास बॉयल किया हुआ प्रॉन है, तो चिकन बिल्कुल बारीक काटा हुआ। ये हो गया चिकन प्रॉन और ये वेजिटेबल, सारे वेजिटेबल ऐड हो गए एक प्लेट में। और वो सब्जी के साथ ये देखिए टोफू, बटन मशरूम मार्केट से कैसे भी मिल जाएगा, टोफू सब्जी वाले के पास मिल जाएगा। और ये हो गया हरा धनिया, कोरिएंडर, ये सारे सब्जी के साथ ऐड कर देना है। ये हो गया हमारे पास यखनी बना हुआ होता है, यखनी डालना है। हमारे पास अभी 200 थे तो 200 बना रहे, 200 के हिसाब से 200 के हिसाब से हम लोग दोनों इसमें 5 चम्मच ऐड करो, हमारे पास 200 का ऑर्डर है। उसके बाद ये सब्जी ऐड करनी है, सब्जी और चिकन और प्रॉन्स। उसके बाद उसमें ये ऐड करना है टोफू, मशरूम और हरा धनिया। उसके बाद उसमें डालना है थोड़ा सा चीनी, नमक 1 चम्मच, 1 सूप के हिसाब से 1 चम्मच, ये 2 सूप है 2 चम्मच। ये हो गया धनिया, ये हो गया सॉरी अजीनोमोटो 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच अजीनोमोटो, चिकन पाउडर 1 चम्मच और वाइट पेपर 1/2 चम्मच 2 सूप के अंदर, बाकी फिर आप अपने हिसाब से हो करो। ये हो गया सोया सॉस, ये डार्क कंपनी का सोया सॉस आता है, ये बड़ा बेहतरीन है, कलर अच्छा है। और उसके बाद ये हो गया ब्लैक विनेगर, उसके बाद ये हो गया चिली सॉस। हाँ ये 2 सूप के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, बाकी आप अपने एक एक सूप के हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। ये बॉईल होने के जैसे बॉईल हो जाए उसके बाद इसमें ये कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, ये थोड़ा ऐड किया। उसके बाद ना और ऐड किया, ये देखिए 1 सूप के हिसाब से 1 अंडा और ये 200 पे 2 सूप के हिसाब से 2 अंडे, ये आराम आराम से ऐसे करके डालना। तो बस थोड़ी देर के बाद फिर आराम आराम से ये करके चम्मच मारना ताकि अंडा ज्यादा बारीक ना हो जाए, वरना आप बारीक चाहिए तो ज्यादा जल्दी चम्मच मारे और बारीक कर दो। ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करें ताकि थोड़ा सा और ऐड गाढ़ा हो जाए। ये देखिए ये देखिए ये सूप की कलर है और ये सूप तैयार हो गया स्पेशल सूप।